नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज और आप देख रहे हैं टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की मेरी इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बायबिट एक्सचेंज और हो भी एक्सचेंज पर जो 40% का APY दिया जा रहा है और ये स्टार्ट भी हो चुका है, कैसे ले सकते हैं और क्या कंडीशन है। साथ के साथ अगर आप बायबिट पर अगर फ्लेक्सीबल सेविंग करना चाहते हैं तो आप उस फ्लेक्सीबल सेविंग के अंदर यानी कि अभी डिपॉजिट कीजिए, चाहे 15 मिनट बाद उसे विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो उसके अंदर भी आप कैसे स्टेक कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल जो स्टेबल कोइन की बात करूंगा मैं, USDT पर, USDC पर, BUSD पर मोस्टली 2% 3% ही होता है फ्लेक्सिबल पर। बट अगर आप उसे फिक्स्ड के अंदर करते हो तो आपको 10% से 8% तक, कभी 5% तक कभी मिल जाता है। लेकिन अगर आप अपने USDT को आप UST टेरा लूना का जो स्टेबल कोइन है UST उसके अंदर कन्वर्ट करके और उसे फिर बायबिट एक्सचेंज पर फ्लेक्सिबल के अंदर भी अगर आप सेव करते हो, स्टेक करते हो, तो आप उसके अंदर 15% तक कभी APY ले सकते हो और काफी अच्छा APY दे रहा है। और साथ के साथ आप ये सोचोगे यार मैं तो USDT पड़े मेरे पास तो अब क्या करूं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास 1000 USDT पड़े हैं तो जब आप उसको कन्वर्ट करोगे या सेल करके USD बाय करोगे उसकी जगह, तो आपको 1000 में 10 सेंट के आसपास की फी लगेगी बस चेंजिंग की, ठीक है, बाय सेल करने की। और जब आप उसको सेल कर दो, मतलब जब आपको लगता है कि भाई अब मुझे अपना USD निकालना है, तो आप USD को सेल करके दोबारा से USD में कन्वर्ट करोगे तो आपका मुश्किल से मुश्किल वही लगेगा, 10-20 सेंट का ही फर्क पड़ेगा, पर आपको APY तो ज्यादा मिलेगा। तो ये वीडियो इसी के लिए दोस्तों, मैं आपको कन्वर्ट भी करके दिखाऊंगा और स्टेक भी करके दिखाऊंगा इस लाइव वीडियो के अंदर। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर दबाइएगा, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए, एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ठीक है। कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपनी समझदारी का यूज कीजिए और उसे अच्छे से चेक कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, स्टेकिंग USDT परसेंट ईयरली ROI, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज का साइन इसलिए नहीं दिया गया है कि कितना परसेंट, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म का अलग अलग होता है। तो मैं सीधा लेकर चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले लेकर चलता हूं मैं बायबिट एक्सचेंज के ऊपर। बायबिट पर आप देखोगे यहाँ पर अर्न पर जाकर, यहाँ पर आप देखोगे USD फ्लेक्सिबल सेविंग्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा 15% का, ठीक है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, अभी करो और कर विड्रॉ कर लो, ठीक है। बाकी मैं किसी और कॉइन की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको सिर्फ इसकी ही बात करूंगा। आप USDT और लूना को भी देख सकते हैं, काफी अच्छा APY दे रहा है और डुअल इन्वेस्टमेंट है, डुअल इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज्यादा होता है। बाकी अब मैं आपको बात करता हूँ USDT की, देखिए 3% BUSD के 4.5% फ्लेक्सिबल सेविंग में मिलता है। तो आप उसी टोकन को USDT को अगर आप कन्वर्ट कर लेते हो USD में तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो अब चलते हैं एक बार होबी के ऊपर भी आप जाओगे यहाँ पे फाइनेंस के ऊपर, होबी अर्न पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा USDT का, देखिए ये रहा ट्यूजडे 12th के अंदर आप देख सकते होगे 40% APY भी ले सकते हो आप USDT स्टेकिंग पर। आपको इसमें कैटेगरी दी गई है तो आप उस कैटेगरी के बेसिस पर आप इसके अंदर ले सकते हो। तो मुझे खैर फद्दू बनाने वाला मामला लगता है, आप सिंपली और सीधा काम करें, बायबिट एक्सचेंज पर जाएं, आप बायनेंस पे देखोगे तो आपको 10% मिल रहा है, ठीक है, पर यहाँ पर 15% मिल रहा है। तो मैं अभी देखता मेरे पास फंड कौन सा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखाऊंगा, पता नहीं कितना फंड इसमें अवेलेबल है। USDT मेरे पास 304 है, USDT इस वक्त अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट पे, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट पे गया और मैंने यहां से मुझे USDT बाय करने हैं, USD बाय करने हैं, देखिए USD को USDT पेयर में बाय कर लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं अब हम मेरे पास कितने USDT हैं, ये देखिए 314 है मेरे पास USDT है इस वक्त, देखिए 314.89 है। अगर मैं चीज 314.88 अगर मैं सारे को 1.0082 के पर बाय करता हूं, ठीक है, तो मुझे 314.63 USDT टोकन मिलने वाले हैं, जबकि मेरे पास 89, मतलब मोटा मोटा 15-20 सेंट का फर्क पड़ा मुझे, मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, सिंपल मैंने यहाँ पे बाय बटन दबा दिया। देखिए मेरी भीड़ यहाँ पर आपकी लग चुकी है, ये देखिए 82 पर, अब देखिए मेरी भीड़ यहाँ पे लगी हुई, जैसी मेरी भीड़ फील होगी तो मैं वहां पर इसको बाय और सेल कर सकता हूँ। मैं साथ के साथ डुप्लीकेट पेज ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर दोबारा से फिर मैं अर्न पे चलता हूँ, ओवरव्यू। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी बाइंग हो चुकी है, 31488 USDT के बदले मुझे मिले हैं 31459 USDT, सॉरी USDT टोकन, जिसमें हमारे 31459 USDT का वो भी लगा, मतलब मोटा मोटा 30 से 40 सेंट का मुझे इसमें लॉस हुआ है, यानी कि बाइंग की है मैंने,
आपको वो प्रॉफिट ज्यादा रहेगा अगर आप उसको बाय करते हो। सिंपली यहाँ पर मैं चलता हूँ बाइनेंस और वो बाइबिट अर्न पर, स्टेक नाउ पे जैसे क्लिक करूंगा हमारे पास, सॉरी ये क्या है, ये रहा, ये देखिए हमारे पास ये ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ पर देखेंगे मेरे पास, देखिए कितने USDT अवेलेबल है इस वक्त, मैक्स टेकिंग अमाउंट ये वो ये, देखिए मैक्स टेकिंग अमाउंट 1 लाख USDT तक है, मिनिमम का तो कोई चक्कर नहीं है इसके अंदर, ट्रांसफर करना पड़ेगा मुझे। चलिए ये मैंने अपने पहले USDT को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर, ठीक है स्पोर्ट अकाउंट से अर्न अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। अब आपको यहाँ पर आपके USDT दिखाने लग जाएंगे, ठीक है मैक्स पर मैंने क्लिक किया, अस्टिमेटेड डेली रिवार्ड मुझे एक तरह से ये मिलेगा, ठीक है डेली का रिवार्ड ये मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर $10,000 अपने करता हूँ तो मुझे $4 का रिवार्ड मुझे मिलता, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इसके अंदर, ठीक है तो कम नहीं होते $4 का रिवार्ड $10,000 के उसमें, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना मैक्स किया और उसके बाद मैंने इसको स्टेक नाउ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ये मेरा देखिए मेरी सक्सेसफुली परचेज हो चुकी है। डिस्ट्रीब्यूशन डेट टाइम देखिए यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, व्यू ऑर्डर में आप चाहें तो इसके ऑर्डर को भी चेक कर सकते हैं, तो इसे कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका पैसा पड़ा है, स्टेबल कॉइन पड़े हैं तो उसे इस पर लगा दीजिए और हाथ के हाथ इसे विड्रॉ कर सकते हैं, अनस्टेक कर दीजिए, आपका पैसा अनस्टेक हो जाएगा और ट्रेड कर लीजिए। जब एक्स्ट्रा आपके पास फंड पड़ा हो तो काफी अच्छा रिटर्न दिया जा रहा है, वो भी फ्लेक्सीबल के अंदर। फ्लेक्सीबल का सेंस आपको किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकते हो आप, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया था। अब जो भी होगा मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि मैं इसको अपने फंड को स्टेकिंग पे लगा दूं और उससे प्रॉफिट अर्न करूं। ये मेरा हमेशा से रहा, किसी भी एक्सचेंज के अंदर अगर मेरा फंड रहा है, चाहे मैंने आपको कल मेटामास से भी करके दिखाया था, या किसी एक्सचेंज पर, चाहे बाइनेंस पर हो वो भी, बाइबिट, जितने भी कोई भी एक्सचेंज हो जहां पर आप ट्रेड करते हो वहां पर आप उसको स्टेकिंग में लगा के कुछ ना कुछ पैसा तो अर्न कर सकते हो। ये समझ लीजिए साल भर का आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, चाहे आपका आपके पास $10,000 है, साल भर में आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, चाहे मोबाइल का खर्चा है, सभी सारी चाहे कंप्यूटर एक्सेसरीज का खर्चा, सब कुछ आपका इस स्टेकिंग से निकल जाएगा। तो ये थी दोस्तों वीडियो, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको 16.6% का भी USDT पर कैसे आप रिवार्ड पा सकते हो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के अंदर, तो यहाँ पर आप इसको स्टेक करके भी पा सकते हो, इससे भी थोड़ा सा ज्यादा ही ले सकते हो आप, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आपको डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर और एक्सचेंजेस पर और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर आप कैसे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, ये भी इसके बारे में बताएगा इस वीडियो में। दोस्तों बस इतना ही, मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।